फ्रेंड्स, आज हम आपको मिक्सी में मोटर चेंज करना बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी कपलिंग खोलनी होती है और नीचे इसमें पेच लगे हुए होते हैं, पेच भी आपको खोल लेने हैं। कपलिंग के लिए पेचकस आता है इसका, कपलिंग वाला, उससे इजीली ये खुल जाती है। लेकिन हमारे पास क्या है, फिलहाल पेचकस अवेलेबल नहीं है, मैं बिना उसके इसको खोलूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोटर है इसकी जली हुई है और इसके कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे वायर हम इसके हटा लेंगे और वायर हटाने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी मोटर फिट करेंगे। और जब आप इसमें मोटर फिट करते हैं तो पुरानी मोटर लेके जाएं, जहाँ से भी आप इसको परचेज करेंगे मार्केट से, तो इसके हिसाब से ही लाएँ, क्योंकि इसमें पेच का सिस्टम होता है, आगे पीछे पेच होते हैं, कई बार सेट नहीं बैठती है। तो यहाँ पर मैं आपको उसका डिटेल से बता दूंगा किस तरीके से आपको ये सेट करनी है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने इसके कनेक्शन कट कर लिए हैं और इससे पेचकस से इसको खोल लेंगे। मैंने बिना पेचकस के खोला है, लेकिन आप इसको पेचकस से खोलें, और बिना पेचकस के खोलने में काफ़ी दिक्कत आती है। हालांकि मैंने इसको बगैर पेचकस के खोला है, मतलब जो इसका पेचकस होता है अलग ही आता है। तो ये खुल गया है कपलिंग आसानी से, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है। इसके बाद ये तीन पेच हम खोल लेंगे, ये भी आसानी से खुल जाएंगे बड़े पेचकस से। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखें मोटर निकल जाएगी आपकी, पुरानी मोटर को आप हटा दीजिए साइड में। अब हम क्या करेंगे, नई मोटर लेंगे और मोटर सेम साइज़ की होनी चाहिए, स्टेटर अच्छा होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर आप देखें ये नई मोटर हमारे पास मार्केट से परचेज की है। अगर आपको ये ऑनलाइन परचेज करनी है तो लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कीमत लगभग इसकी 600 के समथिंग आती है, हो सकता है मार्केट में कम ज़्यादा होती रहती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी मोटर का भी डिपेंड करता है कि हैवी और जो स्टेटर है भारी होता है या हल्का होता है तो सस्ती आएगी, और स्टेटर जितना हैवी होगा उतनी महंगी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें आप किस तरीके से इसको लगाएंगे। पुरानी मोटर को हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये मोटर आपको इस तरीके से सेट करनी है, इस तरीके से यहाँ पर, और इसके पेच वगैरह सेंटर में आने चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे और ये तीनों पेच इसमें से टाइट कर देंगे। इसमें रबड़ के वाशर होते हैं नीचे, वो ज़रूर आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देखें रबड़ के वाशर जब लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद इसका कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो आप यहाँ देखें यहाँ पे तीन वायर हैं और तीनों वायर के कलर अलग हैं, काला, लाल और पीला। तो ये 1, 2, 3 स्पीड है, उसके हिसाब से हम इसको लगा देंगे। और दूसरा वायर है जो सिंगल वाला पीला, ये मेन है, ये हमारे जो ऑटो स्विच है यहाँ पर रिसेट वाला बटन है, इसमें लग जाएगा इसका वायर, यहाँ पर ये यहाँ पर लग जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ करेक्शन, यहाँ पर ये लग जाएगा सिंगल वाला, एक साइड से जो फील्ड से आ रहा है ये सिंगल यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद तीन स्पीड में लग जाएगी 1, 2, 3, और इसमें ग्रीन वायर है अर्थिंग में लग जाएगा इस मिक्सी के ऊपर, यहाँ पर ये ग्रीन वायर अर्थिंग का यहाँ पर लग जाएगा। और इसके बाद हमारा जो रेड वायर है वो यहाँ पर लग जाएगा, इसके जो फर्स्ट पिन है स्विच की फर्स्ट पिन पर बाहर की तरफ यहाँ लग जाएगा। अच्छे से हम इसको लगा देंगे, इसके बाद 1, 2, 3 स्पीड हम लगा देंगे चेक करके 1, 2, 3 के हिसाब से। हो सकता है मतलब ब्लैक 3 स्पीड हो, या फिर हो सकता है कि रेड 3 स्पीड हो, तो इसमें आप चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये देखें कनेक्शन हो चुके हैं, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है। और इस तरीके से हम इसका कवर लगा देंगे, उसके बाद इसकी कपलिंग सेट करेंगे। और कपलिंग सेट करते वक्त आपको एक ध्यान रखना होता है, इसमें जार लगा के देखें, ऊपर नीचे करना होता है तो उसमें वाशर वगैरह आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि कपलिंग कम टच हो रही है तो उसमें वाशर लगा दीजिए जार के अंदर, और इसके अंदर भी आप वाशर लगा सकते हैं नीचे, और इसके हिसाब से आप इसको कस देंगे। इसमें वाशर भी लगते हैं ऊपर नीचे के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें इस स्क्रू को पेचकस से टाइट कर देंगे। इसका पेचकस अलग आता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इस तरीके से टाइट कर देंगे और हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप इसमें मोटर चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी।